तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 23, इसको इस तरीके से हमने किया था। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि ये एक दो बैटरीज का कॉन्सेप्ट है। जब एक सर्किट में दो बैटरीज लगी हों तो इसमें किरचॉफ लॉ लगता है। इसके अंदर मैंने ये सिखाया था कि अगर मान लो ये सब सीरीज में है और इसके ऊपर चार्ज क्यू, तो इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। हमने डिसाइड किया था कि बड़ी बैटरी के हिसाब से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बड़ी बैटरी 24 है तो ये प्लस है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ से ये बड़ी बैटरी माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस है। कोई डाउट इसमें? ठीक, यही रूल बनाया था हमने। फिर उसके बाद हमने किरचॉफ लॉ लगाया। चलो ए से स्टार्ट होके वापस ए पे वापस आ जाते हैं। ए से स्टार्ट होके जब वापस ए पे आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होके माइनस से प्लस पे आ रहे हैं तो प्लस 12 हो जाएगा। फिर माइनस से प्लस में पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4×10⁻⁶ हो जाएगा। प्लस से माइनस जा रहे हैं तो −24 हो जाएगा। माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2×10⁻⁶=0 हो जाएगा। तो यहां से किसकी वैल्यू आई थी हमारे पास? चार्ज की वैल्यू आई थी। चार्ज की वैल्यू जो भी आएगी उसको 2 से डिवाइड करके यहां का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा किया था। और लास्ट टाइम हमने ये देखा कि सब सॉल्व करने के बाद ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस के प्लस, ये 8 वोल्ट आया था, ये 8 वोल्ट आया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि अपने को डिसाइड करना था कि +8 लिखना है कि -8 लिखना है। इसके लिए रूल क्या है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है। तो ए और बी के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्योंकि ए प्लस के साथ कनेक्टेड है, बी माइनस के साथ कनेक्टेड है, प्लस वाला पोटेंशियल माइनस वाले पोटेंशियल से बड़ा होता है, तो इसीलिए वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? +8 वोल्ट, क्योंकि ए टर्मिनल प्लस के साथ कनेक्टेड है और बी टर्मिनल माइनस के साथ कनेक्टेड है, तो −8 नहीं +8 आना चाहिए। ये एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरी एक्सप्लेनेशन, फिर मैंने इसको ऐसे करके देखा कि ये मान लो यहां का पोटेंशियल वी ए है, मान लो यहां का पोटेंशियल वी बी है। हम किरचॉफ लॉ ए से बी पे लगा के देखते हैं तो वी ए के रास्ते में क्या आ गया? कैपेसिटर। प्लस से माइनस हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है तो −8 वोल्ट, और इक्वल टू वी बी, मतलब वी बी तक पहुंच गए। या चलो अच्छा ये आपको इलेक्ट्रिसिटी में सिखाना है, रहने दो, ये टेक्निक इलेक्ट्रिसिटी में सिखाऊंगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो ये टेक्निक क्लियर है। फिर मैंने और थर्ड एक्सप्लेनेशन सोची। चलो इलेक्ट्रिसिटी तो आंसर तो आ ही गया। तीसरी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी थी जी, तीसरी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी थी कि मैंने, अगर मैं मान लो करंट की बात करूं, करंट क्या हो रहा है यार, माइक ना कैसे कर रहा है, हेलो हेलो, तो इसके अंदर करंट अगर इसमें मूव करे तो वो बड़ी बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। और करंट मूव करता है फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, तो वी ए हायर पोटेंशियल है, वी बी लोअर पोटेंशियल है, तो भी डिफरेंस +8 ही आता है। तो इसका आंसर +8 मार्क कर लो।